कैसे हैं सब लोग? जोर से बताओ। बहुत अच्छे। अब तो मैं ऊपर उठ गया, अब तो दिख रहा हूं। मीडिया को भी अपना काम करने दो, बेचारों को। कोई नहीं, मीडिया को भी काम करने दो अपने लोगों को। आज यहां पे आए हुए सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। मैं अभी अभी ये पूरा घूम के आया हूं। जो आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वरिष्ठ नागरिक निवास, बुजुर्गों के लिए जो निवास आज बनाया गया है, अभी अभी मैं घूम के आया, बहुत ही शानदार बना है, बहुत ही अच्छा बना है। हर चीज का इसमें ख्याल रखा है, कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं कि सबको एक एक कमरे में, कईयों को ठूस दिया, एक कमरे में या तो दो रहेंगे या तीन रहेंगे। बड़े बड़े कमरे हैं, अटैच टॉयलेट बाथरूम है, खेलने की सुविधा है, दवाइयों की सुविधा है, डॉक्टर की सुविधा है, फिजियोथेरेपी की सुविधा है, अच्छा खाना है, लाइब्रेरी है, सारी चीजों का ध्यान रखा है। मैं समझता हूं जितने भी जो भी बुजुर्ग यहां पे आके रहेंगे, उनको सब किस्म की, वैसे तो अगर अपने घर में ही रहें तो और बहुत अच्छा रहता है, घर जैसी व्यवस्था तो कहीं नहीं मिल सकती। लेकिन हमने कोशिश ये की है भाई, जो अपना घर छोड़ के आके, जिनको मजबूरी में यहां रहना पड़ेगा, उनको ये ना महसूस हो कि हम घर छोड़ के आए हैं, हमारे को पूरी सुविधा नहीं मिल रही। आज जिस तरह की जिंदगी हो गई, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग ऐसे हैं जिनकी बच्चों से नहीं बनती, बच्चों की बुजुर्गों से नहीं बनती। बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके बच्चे नहीं हैं बुढ़ापे में देखने वाले। कई कारणों की वजह से कई बुजुर्गों को अपना घर छोड़ना पड़ता है बुढ़ापे में। उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं होता। और ये कोई जरूरी नहीं कि गरीबों में ही है, कई बहुत अच्छे अच्छे परिवारों के बुजुर्ग जो हैं, उन बुजुर्गों को भी बुढ़ापे में देखने वाला कोई नहीं होता, बच्चे ख्याल नहीं रखते। आजकल की जिंदगी ऐसी हो गई। ऐसे सभी लोगों के लिए ये जो निवास स्थान बनाए हैं हमने, आज ये चौथा बनाए। अभी मेरे को हमारे सेक्रेटरी साहब बता रहे थे कि और 9, टोटल 9 बन जाएंगे दिल्ली में, 1000 के करीब लोग रह सकेंगे, और भी बनाएंगे, कमी नहीं होने देंगे। तो जितने भी बच्चे जिन बुजुर्गों को नहीं रखते या जिनके बच्चे नहीं है, जिस वजह से भी जिन बुजुर्गों को बुढ़ापे में रहने की जरूरत है, हम कोशिश करेंगे उनको बुढ़ापे में किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। आपकी अपनी सरकार है, आपका अपना बेटा मुख्यमंत्री है, हर चीज की व्यवस्था करेंगे। हमने दिल्ली के बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा भी शुरू, आप में से कितने, मैं देख रहा हूं बहुत सारे बुजुर्ग है, तीर्थ यात्रा कौन कौन करके आया है? 1, 2, 3, 4, 4 ही जने करके आए हैं, सारे जने जाओ। दोबारा शुरू हो गई, हाँ 2-3 यहां पे भी हैं। पहले बीच में कोरोना की वजह से तीर्थ यात्रा बंद हो गई थी। मैं बता दूं जिन लोगों को नहीं पता, दिल्ली सरकार बुजुर्गों को फ्री में तीर्थ यात्रा करा के लाती है। कई सारी जगह है, द्वारका जी है, हरिद्वार ऋषिकेश है, मथुरा वृंदावन है, अयोध्या है, अजमेर शरीफ है, रामेश्वरम है, पुरी जी है, शिरडी बाबा जी है, कई जगह तीर्थ यात्रा करा के लाती है। आप जहां भी जाना चाहो, अपने आप को रजिस्टर कर लो वेबसाइट पे जाके, आपको घर से लेके लाना ले जाना, ट्रेन एसी ट्रेन में ले जाते हैं, एसी होटल में रुकवाते हैं, सारा खाना पीना सब फ्री है। अच्छे से बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करके आओ, बहुत अच्छा लगेगा। मैं कईयों को जो तीर्थ यात्रा करने गए थे, उनको ट्रेन में छोड़ने जाता हूं, जब वो आते हैं वापस, उनको लेके आते हैं, हम इतने खुश होते हैं, वो इतने खुश होते हैं। तो जितने भी बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे हैं, सारे जने अपने आप को रजिस्टर करो और सब लोग तीर्थ यात्रा करा के लाओ।
और इन जो बुजुर्गों के लिए निवास स्थान बना रहे हैं इनमें भी जितने लोग रहेंगे सबको हम तीर्थयात्रा पे लेके जाएंगे, उनकी मनपसंद की तीर्थयात्रा पे लेके जाएंगे। बाकी आप लोगों को बता दूं, पिछले 7-8 साल में दिल्ली के लोगों ने कमाल कर दिया, दिल्ली में खूब काम करा आप लोगों ने, आपने स्कूल ठीक कर दिए, अस्पताल अच्छे हो गए कि नहीं हो गए, बिजली मुफ्त हो गई, 24 घंटे हो गई, पानी की सुविधा हो गई, कई सारी चीजें हो गई दिल्ली की, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, पूरे देश में आपकी चर्चा हो रही है कि दिल्ली वालों ने कमाल कर दिया। मैं अभी पंजाब गया था, वहां पे लोगों को सब कुछ पता था, मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, लोग ही बताते थे जी दिल्ली में स्कूल अच्छे हो गए, अस्पताल अच्छे हो गए, ये ठीक हो गया, वो ठीक हो गया, पंजाब के लोगों ने खुद ही खुद वोट दे दिया, मेरे को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो चारों तरफ चर्चे हो रहे हैं दिल्ली वालों के, शानदार काम कर दिया हम दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके। आप सब लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं, मैं डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं जो इतना शानदार निवास स्थान बनाया है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे निवास स्थान बनाने की जरूरत ना पड़े, सारे बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ अपने अपने घर में सुखी रहें, खुश रहें। लेकिन फिर भी कुछ जगह होती है जहां पे बनती नहीं है, तो निवास स्थान बनाएंगे और ज्यादा बनाएंगे, जिन जिन बुजुर्गों को जरूरत है चिंता मत करना, आपका बेटा बैठा यहां सरकार में, आपका ख्याल हम रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।